आपने केडीसी ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि जो फैसिलिटीज और जो कनेक्टिविटी हमें केडीसी में प्रोवाइड होती है वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, और हमारे एरिया में रैंक वन पे केडीसी स्टैंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके पर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं, और आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है जो और कोचिंग्स में कहीं प्रोवाइड नहीं होते, क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट आपको ट्रीट करेंगे यहाँ कि आपको कॉमर्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है। बेसिकली मैंने कॉमर्स इसलिए चूज किया था क्योंकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट था नहीं और आर्ट्स में बहुत थ्योरी है, तो वो मेरे से इसके ब्रीफिंग की और इसके अंदर के सब्जेक्ट्स को देखा तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, और मेरे घर में भी। अब आपको क्या लगता है कि जो स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाते हैं आईसीआई, तो क्या वो इनफ है या उसके अलावा भी फर्दर हमें चीजें चाहिए करने के लिए? अकॉर्डिंग टू आईसीआई वो कहते हैं कि वो इनफ है, लेकिन केडीसी में मैं मेनली ये बात बताऊं कि स्टडी मटेरियल से उठ के भी काफी चीजें प्रोवाइड होती है, नॉट इवन पीवाईक्यूज एमटीपी आरटीपी, पर सर खुद बैठ के एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि ये चीज आएगी या नहीं आएगी। हाँ। तो ये चीज एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपको टीचर्स को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कमल सर से। वेलकम टू केडीसी टॉक शो। आज हम खुशी जी के साथ उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका ये जो सीए तक की जर्नी है वो कैसी रही। वैसे तो इनकी लाइफ में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, और हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने इन सारी चीजों से टैकल किया, उसके बाद भी ये बेस्ट रिजल्ट्स इन्होंने प्रोवाइड करे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो खुशी जी, आपने केडीसी कब ज्वाइन किया? मैंने केडीसी वैसे तो 11th में ज्वाइन किया था, और जो डेट थी वो थी 16th अगस्त 2021। ओके, आफ्टर 10th रिजल्ट, मेरा 10th का रिजल्ट आया था 3rd अगस्त को, और उसके बाद जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो केडीसी थी। आपने केडीसी ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि जो फैसिलिटीज और जो कनेक्टिविटी हमें केडीसी में प्रोवाइड होती है वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, और हमारे एरिया में रैंक वन पे केडीसी स्टैंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके पर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं, और आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है जो और कोचिंग्स में कहीं प्रोवाइड नहीं होते, क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट आपको ट्रीट करेंगे, यहाँ फैमिली वाली एनवायरमेंट आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, जैसे होता है 10th के बाद काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, और मतलब पेरेंट्स की भी कुछ इच्छा होती है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाए, तो आपने कैसे ये क्लास 10th के बाद डिसाइड किया कि आपको कॉमर्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है? बेसिकली मैंने कॉमर्स इसलिए चूज किया था क्योंकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट था नहीं और आर्ट्स में बहुत थ्योरी है, तो वो मेरे से होती नहीं। हाँ। मेरा अप्रोच हमेशा से प्रैक्टिकल पे रहा है, और कॉमर्स में जब मैंने इसके ब्रीफिंग की और इसके अंदर के सब्जेक्ट्स को देखा तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, और मेरे घर में भी काफी लोग हैं जो इसी बैकग्राउंड से हैं, उनसे गाइडेंस लेके तो मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था। और ये जो इनिशियल जर्नी आपकी रहती है, जैसे ही आप क्लास 10th के बाद 11th में आते हैं और जब कॉमर्स को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको क्या मतलब डिफिकल्टीज आती हैं या फिर सब कुछ बहुत ईज रहता है आपके लिए? मतलब डिफिकल्टीज तो एज सच कुछ नहीं होती, बट हाँ एक मन में ये होता है कि नया सब्जेक्ट है, नया स्ट्रीम है, सब अब पहले जैसा कुछ नहीं है, तो थोड़े बहुत चीज़ें होती है जिनसे डील करना होता है। तो जब मैंने केडीसी ज्वाइन किया था तो सब कुछ ही नया था। Okay. नहीं पता था अकाउंट्स में क्या होती है, एसेट लाइबिलिटी किन्हें कहते हैं, इको में कैसे हम पूरा इंडियन इकोनॉमी जानेंगे, और बीएसटी बिल्कुल ही नहीं पता था। जब हम यहाँ आए तो डे वन जो क्लास थी उसमें सर ने पहले तो सबसे यही पूछा कि आपने कॉमर्स क्यों ऑप्ट किया है। हाँ हाँ। तो मैंने तब भी यही बोला था, सर मेरे को तो जहाँ जितनी गाइडेंस मिली है उस अकॉर्डिंगली। तो फिर सर ने पहले बताया कि कॉमर्स में क्या होता है, एकदम से ऐसे नहीं लेना होता। हाँ हाँ। पूरे करियर ऑप्शंस, पूरा स्ट्रक्चर कि कॉमर्स से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो फिर वो जब सब कुछ जानने के बाद लगा कि इतना चैलेंजिंग नहीं है। हाँ। इसे हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने शेयर भी करी थी ये चीज मेरे से कि आपने पहले मैथ्स को भी चूज किया था, कॉमर्स विद मैथ ली थी, बट उसके बाद फिर आपने ड्रॉप कर दिया, क्यों? कॉमर्स विद मैथ्स मैंने इनिशियल डेज में ली थी क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। 10th तक मेरे मैथ्स हमेशा मैथ्स में मेरे मार्क्स 90 प्लस रहे हैं, पर जब मैंने 11th में ली, मैंने एक हफ्ते मैथ्स की क्लासेस ली, फिर ऐसा नहीं था कि मेरे से होता नहीं, बट मैथ्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है 10th के कंपैरेटिवली 11th 12th में। okay. सब कुछ चेंज है, ऐसा हाँ। नहीं कि हम 10th में जो हमने पढ़ा है वो और फिर अगर मैं मैथ्स को लेके आगे बढ़ती तो मुझे ये लग रहा था कि अकाउंट्स
इको बीएसटी में से ये छूट जाते कहीं ना कहीं, इनमें मार्क्स स्कोर करना काफी ज्यादा दिक्कत होता और फिर मैथ्स मेरा रिजल्ट इफेक्ट रहता। और जिस कोर्स में मैं अभी हूँ और मैंने बाकी कोर्सेज को भी देखा था, वहाँ मैथ्स की जो यूज है वो फाउंडेशन लेवल, मतलब एक बेसिक लेवल पे मैथ्स आती है। ये चीज ना बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन टाइप का बन जाता है लोगों के बीच में कि जो बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ्स से आ रहे हैं उनको सीए क्लियर करने में, इवन फाउंडेशन क्लियर करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो क्या ये एक मिथ है या फिर फैक्ट है? ये काइंड ऑफ मिथ ही है, बिकॉज मैथ्स इतना बड़ा कोई रोल प्ले नहीं करता। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो फाउंडेशन में कहा ऐसे जाता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, बट उसमें स्टैट्स भी होती है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होती है और उसमें मैथ्स का पोर्शन भी होता है। और मैथ्स में 40 मार्क्स मैथ्स अपना वेटेज रखता है, जिसमें से एक ऐसा चैप्टर होता है जो बच्चा फाउंडेशन में पढ़ता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसे कहते हैं, जिसकी वेटेज अराउंड 14-15 मार्क्स है। और रिमेनिंग 25 मार्क्स का जो है उसमें 11-12 के शायद एक या दो चैप्टर होंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। बाकी सब कुछ आपने जो अब तक 10th में पढ़ा है, रेशियो प्रोपोर्शन और थोड़े बहुत से एलजेब्रिक इक्वेशन, वही सारी चीजें होती हैं। ऐसा कोई मैथ्स नहीं है कि जिसकी वजह से आप आपका वो रिजल्ट जो है इम्पैक्ट करेगा, ओके। तो जब आपने केडीसी ज्वाइन किया तो आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? केडीसी का कल्चर और एनवायरनमेंट कुछ इस प्रकार है कि वो एक आपको डिसिप्लिन सिखाता है, एक आपको डिसिप्लिन पर्सन बनाता है। यहाँ की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि आपको हमेशा अपनी क्लास के टाइम से 5 मिनट पहले यहाँ रिपोर्ट करना होता है। और इसके लिए सर ने रिपोर्टिंग टाइम देखने के लिए उन्होंने यहाँ पे बायोमेट्रिक जैसी फैसिलिटी अवेलेबल कराई है कि आप आएंगे, आप बायोमेट्रिक लगाएंगे, रोज चेक होता है कौन कितने बजे आ रहा है। यहाँ डिसिप्लिन प्रोवाइड है और यहाँ एक डेकोरम मेंटेन होता है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपने आसपास देखेंगे सब पढ़ रहे हैं तो आपका मन होगा कि हाँ हम भी बैठ के कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो केडीसी में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं 24/7, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पढ़ना ही चाहिए, टाइम वेस्ट से कोई फायदा नहीं। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, उसके बाद वो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि घर पे उनको एक वो वाला एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा होता है। तो क्या केडीसी उस चीज को भी फुलफिल कर देता है? जिसने केडीसी ज्वाइन कर ली उन्हें लाइब्रेरी ज्वाइन करने की नीड नहीं है, क्योंकि केडीसी के ये पॉलिसी में आता है वो बच्चों को एक लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर क्लास या बिफोर क्लास अगर आपको आपके पढ़ना है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस कोई डिस्ट्रेक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है जो और कोचिंग्स में मुझे नहीं लगता कोई प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चे को सिर्फ इतना कहते हैं आप क्लास टाइम पर आइए, क्लास खत्म हो घर जाइए। इवन जैसे कि क्या होता है क्लास 11th में जब टेस्ट सीरीज होती है, 12th में जब होती है टेस्ट सीरीज, तो जो हम विनर्स डिक्लेयर करते हैं वो देखा जाता है मोस्ट प्रोबेबली कि 12th का जब रिजल्ट आएगा तो वही जो है वो फर्स्ट टॉप मोस्ट पोजीशंस पे रहते हैं ना? जी। तो उस चीज ने कभी मोटिवेट किया आपको अंदर से कि हाँ टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है और इससे इम्पैक्ट आ रहा है सच में रिजल्ट पे? हाँ। वो चीज कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 16 अगस्त को केडीसी ज्वाइन किया था, तो उसके 10 या 12 दिन बाद यहाँ एक सेरेमनी हुई थी। हम नए बच्चे थे, हमें पता नहीं था सेरेमनी क्या होती है, क्योंकि हमने आज से पहले किसी कोचिंग में देखा नहीं। टेंथ तक में कहीं पर हमने ये नहीं देखा। जब हमने यहाँ देखा, हमारे उससे पहले एक दो टेस्ट हुए थे, तो जब हमारे आगे कोई खड़ा होता है तो फिर हमें भी लगता है हमें भी वहाँ खड़े होना चाहिए। तो मेरे लिए पर्सनली ये था कि जब मैंने लोगों को अवार्ड मिलते देखा, सर की अप्रिसिएशन देखी, उनके लिए उनका हार्डवर्क सुना, तो अपने अंदर भी एक उम्मीद आई कि नेक्स्ट टाइम जब सेरेमनी हो तो हम भी वहाँ पे खड़े हो। और यह हुआ भी कि नेक्स्ट टाइम अब से जितनी सेरेमनी हुई उसके बाद हर सेरेमनी में मेरा नाम था। तो सेरेमनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, कि एक मोटिवेशन ना हमेशा लाइफ में नीड चाहिए होती है कि आपको कोई ना कोई मोटिवेट करे, आप जिस हार्डवर्क को कर रहे हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपके लिए अप्रिशिएशन जरूरी है, आपके टीचर्स फ्रेंड फैमिली सब करें। तो सेरेमनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज के लिए। यहाँ के टीचर्स के बारे में आपका क्या फीडबैक रहेगा? यहाँ के टीचर्स अगर मैं बोलूँ तो टॉप मोस्ट और बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। जैसे हमें अकाउंट्स पढ़ाते हैं कमल सर, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स 11-12 में और फाउंडेशन में भी, तो उनका हमेशा से ये रहा है कि आपको जो होमवर्क अभी दिया जा रहा है अगर क्लास के बीच में गैप है तो तुरंत करिए, अदरवाइज सेम डे आपको वो कर लेना है, वरना आप कॉन्सेप्ट भूलने लग जाते हैं। वो चीज और उनके साथ ये है कि वो एक हमारे लिए फादर फिगर बन के हमेशा रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी लेवल की हो, पर्सनल हो, स्टडी से रिलेटेड हो, आउटसाइड की हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, सारे सोल्यूशन मिलेंगे। और एक जो फैमिली टच होता है वो हमेशा से सर ने हमें दिया है, पर्सनली मुझे, क्योंकि मैंने काफी ड्यूरिंग मेरी जर्नी के अराउंड मैंने बहुत सारे अप्स डाउन फेस किए हैं, तो सर का हमेशा से रहा है कि आप कर लोगे,
उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि प्रॉब्लम है छोड़ दो ऐसा कुछ। तो मतलब आपको कभी यहाँ पर ये चीज तो फील नहीं हुई कि मतलब हर चीज के लिए आपको स्कॉल्ड किया जा रहा है या फिर बांध के रख रहे हैं, मतलब इवन दीपक सर है, कमल सर है, कभी आपको? दीपक सर के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने हर रोल प्ले किया है, बीइंग अ टीचर वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। आप उनको रात को 3 बजे भी मैसेज करो कि सर डाउट है, तो वो उठ के आपका डाउट सॉल्व करेंगे। और वो फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड बनते हैं, क्योंकि एक हर इंस्टीट्यूट में होता है कि एक ऐसा टीचर होता है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, जो आपके ग्राउंड लेवल पे आके आपकी प्रॉब्लम्स। कमल सर के साथ है, आप उनसे थोड़े से झिझक में आओगे, पर उनके साथ दीपक सर के साथ ऐसा नहीं हो पाता। वो आपको देख के बता देंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी इसका सोल्यूशन ये होगा। तो यहाँ टीचर्स के लिए मैम आपने भी हमें फाउंडेशन में, हमारे टाइम पे था कि BCR का पोर्शन था जो इंग्लिश वाला पोर्शन, तो हमने तो ये सोचा था कि इंग्लिश का पोर्शन है कैसे करेंगे, पता नहीं क्या आएगा। बट आप जब आए, आपने सारे नोट्स, मतलब हमने ये भी देखा कि मैम ने हमारे आने से पहले भी नोट्स बनाए और हमारे जाने के बाद भी नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे टीचर्स की तो बहुत अच्छी बात है ये कि बच्चे से ज्यादा प्रेशर वो खुद लेते हैं। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जो स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाते हैं ICI, तो क्या वो इनफ है या उसके अलावा भी फर्दर हमें चीजें चाहिए करने के लिए? अकॉर्डिंग टू ICI वो कहते हैं कि वो इनफ है, लेकिन KDC में मैं मेनली ये बात बताऊं कि स्टडी मटेरियल से उठ के भी काफी चीजें प्रोवाइड होती है, नॉट इवन PYQs, MTP, RTPs, पर सर खुद बैठ के एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि ये चीज आएगी या नहीं आएगी। तो ये चीज एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि सर पर्सनलाइज नोट्स, और उनके अगर किसी को प्रिंट फॉर्म में फोन से नहीं पढ़ना नहीं करना, तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। और जितने एफर्ट्स सर करते हैं उतने शायद बच्चे उन्हीं को देख के कर पाते हैं। तो वही चीज है, जैसे हम किसी कोचिंग को जब ज्वाइन कर लेते हैं, और एक ऐसी कोचिंग जो हमें राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें ये रहता है कि आपको एकदम स्टिक करवा दिया जाता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, अब इन्हीं से ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको फालतू सोचना भी नहीं है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना? तो वो चीज जो है वो क्लियर हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से हमारे माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट करवा दिया जाता है और टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो इस चीज ने कैसे आपको बेनिफिट पहुंचाया? सिलेबस टाइमली कंप्लीट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो, और जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हो फिर आप टेस्ट देते हो, तो एक एग्जाम डेज में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे टैकल करना काफी बच्चों से नहीं हो पाता, जो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हम उस चीज को मल्टीपल टाइम्स पहले पढ़ चुके हैं, उसका प्रेशर झेल के हमने टेस्ट दिए। टेस्ट से हमारे आंसर राइटिंग, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और टेस्ट सीरीज का जब आप एक विनर देखते हो और खुद को ऐसा कि अच्छा हमने इतना स्कोर किया, और यहाँ टेस्ट सीरीज बिल्कुल, अगर CBSE है तो उसके पैटर्न पे होता है, ICI है तो उसके पैटर्न पे होता है, बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब ढीलापन नहीं कह सकते, इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है। आपकी जब क्लास 12 की क्लासेस ओवर ही हुई थी और रिजल्ट का भी वेट नहीं किया गया था, फिर आपकी सी फाउंडेशन की क्लासेस जो थी वो स्टार्ट हो गई, तो इससे ये रहता है कि जब टाइमली हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो कवर भी उसको टाइमली कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम बाकियों से आगे ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने CA को ही ऐसा करियर ऑप्शन क्यों चूज किया? लाइक कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे और भी अदर फील्ड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो, बट CA को ही क्यों? मेरे मन में पहले कुछ और भी था कि टीचिंग कर लेते हैं, टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, बट फिर जब मैंने कॉमर्स की आफ्टर 12th 2-3 दिनों के टाइम में मैंने जब देखा कि क्या क्या ऑप्शन हैं और अच्छे, तो मुझे उसमें टॉप मोस्ट CA लगा था। और दूसरी बात, जब मैं 12th में थी तो हमारे कोचिंग में रही हमारी मेरी एक सीनियर है, वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, हाँ जी, और उन्हें मैंने देखा कि वो इतना हार्डवर्क करती थी, मैंने उन्हें अपने सामने सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक पढ़ते हुए देखा है। साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद वो सुबह फाउंडेशन की क्लासेस भी ले रही हैं, 11th की भी क्लास अटेंड कर रही हैं, 12th की भी, क्योंकि बेसिक्स भी पढ़ने हैं, और सेम डे उन सबका होमवर्क करना, तो मुझे ऐसा लगा जबकि कोई नॉन बैकग्राउंड जिसका बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स, वो CA ऑप्ट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे, उनके मार्क्स 250+ थे और अकाउंट्स में उनके IAS 85+ मार्क्स थे, तो जहाँ मुझे लगा जब वो कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने मेरे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम किया। और CA का सिलेबस और सब कुछ एनालाइज करने के बाद एक विल पावर होती है जो आपको अंदर से कहती है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, मतलब हर चीज में हम दूसरों को देखकर तो मूव नहीं कर सकते हैं, तो जब तक हमें अपनी कैपेबिलिटी ना पता हो कि हम उतना कर सकते हैं। मैंने जब सिलेबस पूरा ब्रीफ में लिखा, समरी बनाई, सब कुछ किया, तो उसके और इस चीज से लेके मैंने सर से भी आकर डिस्कस किया था कि सर मेरे मन में है कि मैं ये करूं या ये करूं,
तो उन्होंने बोला जिस चीज के लिए आपके अंदर से आवाज है, फोर्सफुली मेरे से किसी ने कभी नहीं बोला कि तुम कॉमर्स लो या तुम सीए करो, जो अंदर से आवाज आई उसी को, तो मुझे लगा मैं सीए कर सकती हूँ, इसलिए मैंने फाउंडेशन काफी अच्छी मेहनत के साथ और फर्स्ट इवन सबसे अच्छी बात यही है कि जैसे ही आपकी क्लास 11th में आप आते हो या फिर जैसे ही 12th क्लास ओवर हो जाती है तो आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है टीचर्स की तरफ से, इवन पर्सनल काउंसलिंग आप उसको कह सकते हो, जिसमें बहुत हेल्प मिलती है कि राइट करियर ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। सबके लिए अकॉर्डिंगली सबका अलग एक फील्ड जो है वो सही रहती है, है ना। तो वही चीज है, टीचर्स के होने से और उनकी राइट गाइडेंस की वजह से बहुत चीजें जो है वो टाइम को बचा लेती है हमारे। कोविड के बाद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेस टू फेस क्लासेस दोबारा उस टर्म्स पे हो पाएगी। इवन मेरे पेरेंट्स का कहना था तुमने कॉमर्स तो ले लिया, आसपास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, और मेरे 11th के टाइम पे भी कोविड बिल्कुल दोबारा उसकी वेव आई थी और वो पीक पे पहुंच गया था। तो फेस टू फेस क्लासेस का सोचना, बट वो चीज हमें केडीसी और टीचर्स ने मिलकर प्रोवाइड की कि फेस टू फेस मिनिमम बच्चों में एक ही चीज के लिए चार बैचेस कंडक्ट करना टीचर्स के लिए भी काफी डिफिकल्टी की बात होती है कि करना उसको। इसीलिए मेरे 11th में भी तीनों सब्जेक्ट में 95 प्लस थे, इवन मेरे 98 मार्क्स इन बीएसटी, 96 इन अकाउंट्स और 95 इन इको मार्क। जब 11th में तो ऐसा हो रहा होता है कि बस हम पास हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है, तो उस टाइम पे इतने अच्छे मार्क्स को स्कोर करना बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही आपका क्लास 12th का रिजल्ट आता है तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन और सबका रिएक्शन क्या रहता है, मतलब क्या आपने एक्सपेक्ट किया होता है कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे? 12th में अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो अकाउंट्स का पेपर मेरा लास्ट था 31st मार्च को। तो जब होता है ना कोई सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से आपका फेवरेट होता है तो उसमें शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या मतलब प्रेशर कह लो, वो चीज है। और जब दूसरे स्कूल में बैठ के आप पेपर लिख रहे हो तो एक दिमाग में और चीजें चल रही होती है। तो मेरे को लगा कि मेरा अकाउंट्स का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। तो मैं जब यहाँ आई मैंने सर से डिस्कस किया तो मैंने बोला सर आई थिंक कि मेरे 60 प्लस ही आएंगे इससे ज्यादा इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। हाँ। तो सर का कहना था नहीं नहीं आप बहुत अच्छा करके आए हो। और जब मेरा रिजल्ट आया तो टू बी ऑनेस्ट मेरे सब में 80 प्लस मार्क्स थे। तो वो चीज देख के सब भी थोड़ा सा ऐसे हो गए कि 60 प्लस का एक्सपेक्ट किया था और 80 प्लस आए हैं, वो चीज तो है। तो वही सबका रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और फील भी होती है ये चीज जब पेरेंट्स को आप देखते हो खुश होते हुए और जब टीचर्स को देखते हो जिन्होंने इतनी मेहनत करी है आपके पीछे, तो आपको लगता है कि हाँ आपकी भी जो सेल्फ स्टडी की मेहनत थी ना वो पूरी की पूरी कामयाब हो गई, है ना जी। तो जैसे सीए की क्लासेस आपकी जो है वो 9 से 2 PM तक रहती हैं जी, उसके बाद आपका जो रूटीन था वो क्या रहता था? 9 to 2 PM हमारी क्लासेस हो गई, कभी 2 कभी 2:15, उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेके जो क्लास में हुआ है उसके नोट्स बना के या सर ने प्रोवाइड किए हैं तो वो, अगर किसी टॉपिक के खुद प्रिपेयर करने हैं वो नोट्स बना के जो टॉपिक हुआ उसे रिवाइज करके फर्दर जो हम आगे अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं उसकी ब्रीफिंग करना, उसकी समरी नोट्स तैयार करना, और जो पिछला पढ़ा है जो आज पढ़ा है उससे एक दिन पहले दो दिन पहले उन सबको रिवाइज करना, क्योंकि कभी भी टेस्ट का अनाउंसमेंट हो सकता है। और फिर इन्हीं सबको ब्रीफ करके घर पे जाके दोबारा उन चीजों को करना, और रोज कम से कम प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करने हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर कोई है तो मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम एक ब्रीफ आइडिया लेकर चले कि क्लास को, क्लास के अलावा एक्सेप्ट क्लास, एक कितना जो टाइम पीरियड है वो डिवोट करना चाहिए पर डे, पर डे नंबर ऑफ आवर्स अगर हम देखें तो सीए फाउंडेशन में, अगर आप हो, अगर आप सीए फाउंडेशन में हो और आपकी तकरीबन 4-5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं तो उसके बाद मिनिमम आपको थोड़े, ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूस पढ़े, ब्रेक के साथ अगर मैं कहूँ तो 2-2 घंटे के अगर आप 3 से 4 स्लॉट भी बना के पढ़ रहे हो तो इनफ है, क्योंकि पर उस स्लॉट में आपका सोशल मीडिया इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, वो चीज तो है। और ये नहीं होना चाहिए कि आपने 10 मिनट पढ़ाई की चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप एक स्ट्रेच में बैठे हो, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसे खत्म करो, थ्योरेटिकल है जो यूनिट उठाई है उसे पढ़ो, उसे याद करो, उसे लिख के देखो। याद करने वाली चीज को हमेशा याद करके लिखना चाहिए क्योंकि उससे रिटेंशन बढ़ती है। वही चीज है, अपने साथ आपको ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक ऐसी स्टेज में आप आ चुके होते हो कि हर कोई आपको मॉनिटर करे, ये चीज आपको पसंद भी नहीं आती है ना, और इसीलिए जो सेल्फ चीज है वो अपने अंदर से ही आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ की जो बैकअप फैसिलिटी है उसने आपको किस तरीके से बेनिफिट पहुँचाया? जैसे कि आपकी बीच में हेल्थ कंडीशंस भी ठीक नहीं थी और अराउंड आप 15 डेज के अराउंड आप नहीं आ पाए थे, आप हॉस्पिटलाइज थे, है ना। उस टाइम पीरियड में आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा कि नहीं पढ़ना है?
पहले तो मेरे अंदर भी डिमोटिवेशन आई थी, क्योंकि वो नेचुरल चीज है, हर किसी को लगता है हम सबसे पीछे हो गए। बट फिर ऐसा था कि बैकअप फैसिलिटी का मुझे जो फायदा मिला है, रोज जो क्लास सुबह हो रही है वो मेरे को दोपहर तक मिल जाती थी, उसे पढ़ के उसके नोट्स बना के, और रोज शाम को सर का कॉल आना कि आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी पॉइंट में अगर कुछ है इसका ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, इसके लिए तुम ये भी कर सकते हो, और एक मोटिवेशन तो सर देते थे। दूसरा मेरी फैमिली है, मैंने एक बार कह भी दिया था मुझे नहीं लगता मेरे से फाउंडेशन क्लियर होगा तो छोड़ देते हैं आप, जितना हुआ कुछ और कर लेते हैं, कॉलेज कर लेंगे ऐसा। तो मेरे फादर का कहना था कि तुमने बहुत अर्लियर डेज में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम मुझसे बैकअप ले लोगे। और बैकअप फैसिलिटी से मुझे ये हुआ कि जब मैंने वो 15 दिन घर पे बिताए, और लेकिन मैंने वो 15 दिन में नोट्स बनाए, सब कुछ किया, तो बाद में जब मैं यहाँ आई और उस रूम में सबके साथ बैठी तो मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि मैं सबसे पीछे हूँ। वही चीज है, मतलब 15 डेज का ही और गैप हो जाता है। अगर आप कहीं और भी जाते हो तो वो चीज आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जब एक दिन की छुट्टी के बाद भी क्लास में बैठोगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि ये सबको मुझसे ज्यादा आता है और मुझे नहीं आता, और वही उस दिन की शुरू हो जाती है कि फेलियर के लिए आप इनविटेशन दे देते हो। हाँ, वो चीज तो है, मतलब अपने आप को मोटिवेट करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हेल्थ कंडीशंस खराब होने लग जाती हैं तो लगता है कि शायद लक ही हमारे साथ नहीं है, लक हमारे साथ नहीं है, ये सब हमारे साथ हो रहा है और सारे तो बिल्कुल ठीक है। वही चीज, डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं। अच्छा, एक क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो सीए के बारे में सोच सकता है परस्यू करने के लिए? हाँ, अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं कोई टॉप मोस्ट स्टूडेंट नहीं थी कभी भी। 10 से पहले मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया मेरे 90s में मार्क्स आएंगे, मेरे 80s में मार्क्स आएंगे। पेपर में बहुत अच्छा करके आती थी, क्योंकि पढ़ता हर कोई है, उसको करने का तरीका भी, तो मुझे वो गाइडेंस इतनी मिल नहीं पा रही थी कि किस तरीके से पेपर लिखना है, किस तरीके से एग्जाम डेज में प्रेशर झेलना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। तो एग्जाम में हमेशा देके आती थी और हमेशा मेरा यही होता था कि इस बार इतने तो आ ही जाएंगे, पर वो हर बार किसी ना किसी मार्क्स से, किसी ना किसी वजह से। 11th में आने के बाद जब मैंने अपना खुद की मार्क्सशीट देखी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरे इतने मार्क्स हैं। हाँ, ये चीज है, मतलब जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रहा है जी, तो पक्का फिर कुछ ना कुछ हमारे गाइडेंस में ही कमी है। और आप अपने प्रीवियसली रिकॉर्ड्स पे या प्रीवियसली मार्क्स पे खुद को जज नहीं कर सकते कि एक एवरेज स्टूडेंट सीए नहीं कर सकता। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ और मैंने भी आज किया है, और 11th 12th का ही बेस होता है, 10-20% का डिफरेंस आएगा फाउंडेशन के सिलेबस में, एज पर न्यू सिलेबस जो अब न्यू सिलेबस आ गया है। आप बहुत इजीली फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, नॉन स्ट्रीम से हो, थोड़े एफर्ट्स और करने पड़ेंगे, आप तब भी उस चीज को क्लियर कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो अगर हम देखें तो जैसे काफी सारे पेरेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि उनका बच्चा जो है वो केडीसी में ही पढ़े, क्यों ऐसा क्यों? एक तो जब हम घर पे होते हैं तो हमेशा हमारे मदर फादर पेरेंट्स या जो भी गार्डियन है, बड़े भाई बहन, मॉनिटर करने के लिए हमें होते हैं कि फोन तो नहीं चला रहे, पढ़ रहे हैं ना, बात तो नहीं कर रहे, फोन है तो लेके अलमीरा में रख दो, यहाँ रख दो। तो केडीसी में आने के बाद पेरेंट्स इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है जो 24/7 एक तरीके से मॉनिटर होता है। और दूसरी बात, यहाँ टीचर्स पेरेंट्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल इतनी अच्छा बॉन्ड है कि पेरेंट्स फ्रीली टीचर्स से बातें कर सकते हैं, उनसे अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चा घर पे क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, हार्डवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज डिस्कस हो सकती है। अगर सर को कभी लगता है कि बच्चा यहाँ लैग कर रहा है तो वो बच्चे से भी कहते हैं, पेरेंट्स से भी कहते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी एक तरीके से फैसिलिटी मान लीजिए, या टीचर्स और पेरेंट्स का बॉन्ड मान लीजिए। सेम वो बच्चों के साथ भी यही है कि उस ग्राउंड लेवल पे आके कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उन चीजों को टैकल करना, उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सबसे जरूरी होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो मैंने आज तक तो नहीं देखा जो यहाँ आके मुझे प्रोवाइड हुआ है। अच्छा, जैसे आज की लाइफ में हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है, सोशल मीडिया की बात करें, मतलब एक बार आप स्टिक हो जाओगे स्क्रॉल करने पे तो फिर अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा उस चीज को कैसे आपने रोक कर रखा अपने आप को? हमारे साथ तो यहाँ पे जो होता है, हमें सरप्राइज टेस्ट की तरह स्क्रीन टेस्ट हो जाता है हमारा कभी भी, कि आप बैठे हो बैठे हो, ऑल ऑफ सडन हाँ जी फोन दिखाओ, कितना टाइम स्पेंड हुआ है फोन पे, किस चीज के लिए हुआ है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जब आपके मन में एक चीज होती है ना, तो आप अपने आप ही उस चीज को नहीं करते। और दूसरी चीज, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में हो तो आपका खुद का मन नहीं करेगा आप कहीं टाइम वेस्ट करो। वही चीज है, अपने आप को इंसान फिर समझाने लग जाता है कि भाई सही क्या है हमारे लिए।
अच्छा, जैसे कई बार होता है कि पढ़ते पढ़ते एकदम बर्नआउट होने लग जाते हैं और अब लगता है कि बस सब पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे उस बोर्डम से कैसे डील करें? हमारे साथ भी होता है, हम भी बच्चे ही हैं, हाँ ऑफ कोर्स, और मैंने भी फेस किया है कि अब हो गया, बहुत ज्यादा थक गया, मल्टीपल रिविजन्स कर लिया, हाँ सेम ही टॉपिक, सेम ही क्वेश्चन, नंबर याद हो गए कि आंसर क्या है, हाँ अब हम थक गए, तो ब्रेक लिया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग रहा है, उस दिन नहीं कर पाएंगे, अगले दिन किया, पर हाँ वो ब्रेक एक्सटेंड नहीं होना हाँ चाहिए वही कि चीज़ है। अरे हमने कर लिया, हाँ ओवर हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। तो अब कोर्स इतना, कोर्स थोड़ा लंबा है, काफी। सीए पेशेंस चेक भी करता है, हाँ किसी वही चीज़ है। नॉट इवन सीए, आप किसी भी कोर्स में जाओ, सीए में, सीएस, प्रोफेशनल डिग्रीज, लॉ है या कुछ है, वो पेशेंस चेक करता है बच्चे का कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कभी लगता है कि आप इस चीज से बोर हो गए, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करो। हाँ वही चीज़ है, बस वो ब्रेक जो है वो 2 से 3 दिन में एक्सटेंड नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए अदरवाइज जी फिर से आप उसी ही स्टेज पे आ जाते हो। जी अच्छा, सीए फाउंडेशन जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो आपका रिएक्शन कैसा था, पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, क्या मतलब आपको पता थी ये चीज़ कि हाँ मेरा तो हो जाएगा ऑलरेडी? हाँ, क्योंकि जब आप पहले से प्रिपेयर करके होते हो और आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो आपके अंदर से ही आवाज आ जाती है कि अच्छा आपका क्लियर है, बट हाँ एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कि उस दिन वो हाँ पोर्टल पे जाएंगे, क्लिक हाँ करेंगे, रिजल्ट अपडेट होगा। हमारा रिजल्ट का तो वैसे भी बहुत अच्छी मिस्ट्री थी, हमें टाइम अलॉट हुआ 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, और इवन हमने, सब कोचिंग में बैठ के वेट हाँ कर रहे हमने थे कि पूरा कब दिन आएगा वेट रिजल्ट, किया, कब कब आएगा, आएगा रिजल्ट, क्या होगा रिजल्ट। 6 बजे का टाइम भी मिला, तो उसके बाद सबने हिम्मत छोड़ दी, कि पर शायद आज तो ऑल ऑफ नहीं सडन आएगा। 6:56 पर रिजल्ट हाँ अनाउंस सुन, होता है, या और उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट मैंने नहीं निकाला, मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैं इमोशनल भी हो गई थी काफी ज्यादा इस चीज को लेके। बट जब मैंने अपने फादर को सबसे पहले कॉल हाँ किया कि पापा मेरा क्लियर हो गया, तो उन्हें फाउंडेशन तो भूल गए थे कि सिर्फ फाउंडेशन हुआ है, उन्होंने मान लिया कि मेरी बेटी सीए बन हाँ गई, वही चीज है, पेरेंट्स को क्योंकि लगता है हमारे और उनका पीछे, विश्वास हम जो ही है नहीं वो बढ़ करते सिर्फ जाता है। मेहनत, हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स भी सेक्रीफाइस हाँ करते बहुत। हैं, हमारे टीचर्स भी सेक्रीफाइस करते हैं कहीं ना कहीं चीजों को, और जितने एफर्ट्स हमारे टीचर्स करते हैं उन्हीं को देख के हम सीखते हैं कि हमें भी करना है। हाँ बिल्कुल। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे सर की तबीयत खराब है, उनसे बोला नहीं जा रहा, बट वो क्लास में स्टिल खड़े हैं, हाँ ऑफ तो कोर्स। उस चीज को लेके हमारा होता था, ठीक है अब हमें भी छुट्टी नहीं करनी, हमें भी नहीं आना, मैंने 15 दिन घर पे कैसे काटे हैं वो मैं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है जब आप एकदम पैक होके एक रूम में पढ़ रहे हो, कोई सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो चीज़ और डिफिकल्ट हो जाती है रादर देन जब आप क्लास ले रहे होते हो ऑफलाइन बैठ के, है ना? अच्छा, तो जैसे अब आपकी सीए इंटर की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है काफ़ी अर्ली, तो जी अभी तक सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा उम्मीद है इस बारी? हमारी फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हुए थे 6 जैन को, और 12 जैन से हमारे इंटर की क्लासेस शुरू हो गई थी। इस चीज़ का हमें ये बेनिफिट है कि 2 से 2.5 महीने में 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म हो गया, उसका रिवीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और जैसे अभी एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, तो उस चीज़ में हम उस एग्जाम्स को करके देख सकते हैं कि हमें हाँ कितना ऑफ आ रहा कोर्स, है और कितना नहीं आ रहा। हाँ पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी आ सकती है तो उस चीज के लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं, प्रिपेयर है ऑफ कोर्स क्योंकि अगर ये टाइम बीत गया तो हम वापस नहीं आ सकते, बट अगर पहले से कर रहे हैं तो उसको टैकल जरूर कर सकते हैं। जी। चलिए, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं कि आपका सीए इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए थैंक यू, और आप हम सबका नाम फिर से रोशन करें इसी तरीके बिल्कुल से। मैम, तो आपको इनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने के बाद, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद भी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा उस चीज़ में एक तरीके से कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। तो खुशी जी, अगर आपको केडीसी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा वर्ड होगा? केडीसी, सेकेंड होम, बेस्ट प्लेस और फैमिली। एंड अगर आपको टीचर्स को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कमल सर से, एंड कमल सर, फादर फिगर, दीपक सर, ऑलराउंडर, घनश्याम सर, स्वीटेस्ट पर्सन, एंड व्हाट अबाउट मी? माय सपोर्ट सिस्टम। ओके।